मैं क्या बोल रहा हूँ पत्या बोलो ये देख इधर मौसी ने जा एंजॉय कर जा बटन मतलब मौसी है अभी वो दो मौसम लेके करेंगे तो करेंगे क्या इसके ए, बाबा कैरेक्टर से बाहर निकल बाबा वो छतरी के मैं पाव पड़ता हूँ तेरे तो मुझे तो भी खत्म कर दे और कैरेक्टर तेरा वो क्या परमा या फर्मा क्या होता है हे करण मला कंटाळा आहे वो हा काहीच याच्याकडे आता काहीच राहिलं नाहीये मी याला उद्ध्वस्त करून टाकीन याने कंटाळा आणलाय वो एक तो वो बोलता भी नहीं है और जब भी बोलता है वो छत्री जी ही आते हैं रे मुझे छत्री जी के नाम से ना पता नहीं आई शपथ पत्या जब जीटे में आऊंगा ना तुझे मारने के बाद तुझे जलाऊंगा तुझे प्लेन में बैठाऊंगा तेरी बॉडी ऊपर से नीचे फेंकूंगा नीचे फेंकने के बाद तेरे ऊपर से ट्रक लेके जाऊंगा तेरे को तुड़ो तुड़ो तुड़ूंगा तेरी पूरी बॉडी खून से माखी हुई होगी रे कंटाला है रे इस लैंग्वेज ने करण ट्रक ड्राइवर तू बनेगा डेविल प्लेन तू चलाएगा बॉडी मैं लाएगा साला इसकी अपन मिक्सिंग करेंगे इसकी बॉडी है ना मिक्सर में डाल के ग्राइंड करेंगे इसको वो उधर रहता है ना वो मिक्सर जीटीए में वो इंसानों का नहीं गाड़ियों का मिक्सर शायद तुम भूल चुके हो कि तुम्हें लातो बुक्को से भी मैंने आड़वा पाड़ा है अरे मुफासा भाई के कंधों पे बंदूक रख के ना बोलिए सेकंड लातो बुक्के मारने के लिए मुफासा भाई का कंधा क्यों चाहिए क्या बोल रहा हूं कुछ चाहिए तो ले लो हां मुझे मिल रहा है टीएक्स मेरे पास भी है डिवाइस मुझसे मांग लेता ना बेटा ये लोगों के पे नहीं मांगने का रे लोगों से फिर निकाल के बताते लोग दोस्त कहते हैं उसे हाँ क्या होते कुछ दिमाग आ रहा इसको बोल रहे वो कैरेक्टर से बाहर आ जाए अरे मुझे तो इरिटेट हो रहा है और लोगों को भी लोग तो अरे दो तीन लोग तो उल्टी भी कर रहे थे कल तो मुझे बोला था अरे यार ये छतरी को अंदर से बाहर निकालो रे इस बीजीएमआई में भी वही चल रहा है लैंग्वेज अरे ये एक इसका स्टिक टुगेदर हो गया रे एकदम ओरिजिनल सुकर एकदम थूक गेम प्ले थूक गेम प्ले एकदम प्योर हाँ। करा क्या कर रहे हो आप मुझे ग्रेनेड तो दो मुझे 5.5 चिक चाहिए वही एक ही लैंग्वेज कोई चेंज नहीं जिंदगी में बस वही चल रहा है बंडा मामा आपका सीमान जी आपका ओबीएस शायद बैंडविड्थ नहीं ले पा रहा है अरे वही रे कंटाला आना है रे देवा फांस गए की इच्छा होती माला तो अरे तुम लोग मेरी स्ट्रीम देखते हो ना इसकी वजह से बहुत चीजें मिस हो जाती है कैसे? जैसे कि मैंने तुमको बुलाया लेकिन तुम बोले हाँ नहीं 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 मुझे नहीं आना उसकी वजह क्या थी पता है मैं देखूं लेख लिया था कि मैं तुम्हारा गेम बजाने वाला हूँ अगर ये तुम ना देखते तो तुम आते भोलेपन में और मैं तुमको उड़ाता मुझे भी मजा आता ऑडियंस को भी मजा आता लेकिन तुम लोग मेरी स्ट्रीम देखते रहते हो और उस वजह से अच्छी अच्छी चीज़ें मिस हो जाती है क्यों लेवल सही कहा कि नहीं मैंने इसका कोई ताल्लुकात नहीं है वैसे आई गो परत आला तो अपन को छोटा छत्री बुलाते हैं छोटा छत्री नहीं पांच पांच मिनट नहीं है तो रे वो मैट्रिमोनी पे आजकल जा रहा है इसकी जरूरत किसी और डेविल मैट्रिमोनी नहीं मैट्रिमोनियल हाँ मैट्रिमोनी अरे तू करण के साथ रह रहे के ना तू बर्बाद हो रहा है भाई तेरा पूरा बचपन खराब हो रहा है उसको छोड़ दे आपको बड़ा याद है वो छोटा छतरी अरे पहले तो तू वो छतरी की टोन में बात करना बंद कर नहीं तो तेरे को फाड़ेगा मैं अभी अबे तू जीटीए का लास्ट का बचा हुआ कीड़ा है तू हमें बता रहे ये क्या है वो क्या है सर जी करण जी करण जी बका रहा नहीं बता रहा है होता है बोलिए एक जगह तू अरे बड़े अरे पत्या अरे तू छोटा छतरी कितनी दिन बना रहेगा भाई कंटाला आ गया अरे तेरे छोटा छतरी का अबे कंटाला अबे सुधर जा ना ले ठीक है सुसु करके पाक्स करके आता हूं अबे रेडी करने नल्ले ए ताड़पत्री ए छोटा छतरी
एक तो बोलता है तो बोले मैं तो कर ही रहा हूँ रेडी, आप भी कीजिए, इतना ही बोलेगा, उसका कोई लैंग्वेज ही नहीं है, एक ही लैंग्वेज पे अटका है। आप सुसु करके तो आइए। भिंडी कहाँ से आए हैं लोग? गाइस मेरा नाम छोटा छत्र शुरुआत कर तो डायलॉग भी बोल ना तेरा, ऐसे कुछ भी बोल। अरे वो फूफा सा के बारे में खत्म हुआ। मारा नायक बोलता भाई, ये जान दे रे नायक के बोलना। ए एवढे बोल जीटीए, मुझे फूफा सर ने खेलने सिखाए घे तेवढे घे। देखो गाइस श्रीमान भाई को मैं बचपन से जानता हूँ, मतलब वो मुझे जानते हैं क्योंकि मैं छोटा हूँ उनसे। अरे मैं छोटा हूँ। अरे भाई आता तू सांग मला, मैं छोटा असा मागता नाव शकत हेच बोलले कोणाला बोलायचे तुला? मला नाही नाही बनायचं नाही 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 जाऊ दे मी बोलतं बरोबर। ए आम्ही काय झालं? अरे आम्ही तू कशाला असला? हे सॉरी 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 माफी मागितली चल, लाईव्ह स्ट्रीमला माफी मागितली, बोल चल बोल। डायलॉग क्या होता? श्रीमान भाई छोटा है इसलिए जानता हूँ। तो गाइस मैं श्रीमान भाई को बचपन से जानता हूँ और हम लोग स्ट्रीम के पहले भी बहुत सारे गेम्स वगैरह खेले, और यहाँ पे उनके गेमिंग रूम से लेके मतलब यहाँ पे आया, मैं गुजरात में आया तो इनके यहाँ आके ही जाता हूँ, मतलब ये मंदिर जैसा है मेरे लिए तो मैं इधर आके ही जाता हूँ। अर्जुन था मेरे अरे लाता है क्या और GTA खेलना मुझे श्रीमान भाई ने सिखाया, और काउंटर स्ट्राइक खेलना भी उन्होंने सिखाया, और कीबोर्ड चलाना भी उन्होंने सिखाया, और माउस चलाना भी उन्होंने सिखाया, और बटन करने ऑन करने भी वो आता है क्या, और F4 से गाड़ी से उतरता है वो भी उन्होंने सिखाया। पर तू कितने लोग स्पेक कर रहा था रे? तुला काय बोलतो? अरे ते स्पेक्टेटिंग लिमिट पण रीच झाली। अच्छा गाडी तो आता मगाशी ऑफ कसं करायचं ते? अरे ऑन राहू दे एकाला बघायला बाबा। अरे पण पत्या जर बघत असतील लोक तर एवढा काय प्रॉब्लेम, बघू दे ना त्यांना त्यांची वैयक्तिक। अरे नेट स्लो तो काय संबंध आहे अगो भये, हे कुठले तर्क आहेत भाई? अरे मग मला 80-68 चा पिंग येतोय लोक मलाच बघत असतील तर मग ते अडकणार ना गेम। बरोबर बोललास भाऊ, लाईफ मध्ये पहिल्यांदा असं काहीतरी ऐकलं मी, धन्य झालो मी। सर्व्हर वर पतू तू स्ट्रीमर असता तर तुझी वॉचिंग वाढली की कमी व्हा कमी व्हा, नेट जायला लागली। अरे मय गया ना मय, तो वो है ना उसकी जो तबियत दिख रही है ना वो डबल वो हो जाएगी, गोरा हो जाएगा भाई। मैं जहाँ जाता हूँ ना वहां पे बस वहां पे हरियाली बिखेरता हूँ, समझा क्या? पॉजिटिविटी मेरे अंदर से बहती है। हाँ आप जहाँ जाते हो वहाँ के लोग गोरे होते? अरे गोरे मतलब उसका जो रोज का धिपना संतापना होता है तो रक्त कहाँ पड़ता है ना, तो अभी मैं जाऊंगा तो उसका रक्त वो उबलेगा नहीं, धिपेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक गोरा दिखने लगेगा, ऐसा विषय। पतू बोल रहा है कि फिर मेरे ऊपर क्यों नहीं असर हुआ अभी तक? इमोशनल डैमेज।